कर रहा था। अभी देखिए ना, जब आ रहे राम भक्त हनुमान तो कितना का चूल मच गया कि भैया काहे बिहार आ रहा ही करेगा, जिंदा के देगा भैया। अब एगो आसाराम टाइप के एगो हले बलात्कारी बाबा, हाँ इतना न कस के टेला के सासाराम चल गए, बुरा करने वाले का अंजाम बुरा ही होता। अरे भैया मेरे, अब वो प्लेन से उतरे, प्लेन से उतर ला थू ना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ऐसा थोड़ी होता है। प्लेन से उतरते हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे वो। का नाम है कि वो आ रहे हैं तो कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, अब प्रचारक के साथ दीजिए। बता दें कि सिक्स सेंस बोलते हैं उसको, जिसको कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से बड़ा किया जाता है, तो उन्हीं के पास में ना हो गांजा फो का जिला हो जाए, सिक्स सेंस जगा रहे हैं। हाँ, सिक्स सेंस जगला के बाद ओकरा बोलल जा है कि एकरा अंदर भैया आ गलवा कौन कौन पावर शक्ति। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है भैया, जिनको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि माइंड रीडर नाम का कोई चीज नहीं होता है। ये जो झंडूबाम टाइप के लोग जो जाके कर आगे विरोध करेंगे, हम सब के सेल्फी ले, हम जाने ये सब जा रहा हूँ काहे लगी, कम से कम ए धीरेन्द्र बाबा है भागा भागा ए सेल्फी खच खच कर, इसी कारण से ये लोग विरोध करने का काम। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं, यानी बागेश्वर वाले बाबा बिहार आ रहे हैं हनुमंत कथा करने के लिए। इन्हीं सब मामलों में हमारे साथ बात करने के लिए भोजपुरी एक्टर समीर चौधरी, उनसे पूछते हैं बाबा जी बिहार आ रहे हैं, क्या आपका कहना है? नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कहे के क्या बात है, कुछ लोग के चूल मचल है, चूल मचल है पीछे में कि हुआ मैंने आग लगले ना कि बाल्टी लेके खड़ा हो गए सब। अरे भैया वो बाल्टिया में पानी है कि पेट्रोल है, पहले चेक कर लीजिए, पेट्रोल होगा। अरे भैया एक तरफ सनातन धर्म के प्रचार करी थी हमार, आए श्री राम जी के प्रचार हो रहा है, एक तरफ अभी जब राम मंदिर बनो कर रहा था, अभी देखिए ना जब आ रहे राम भक्त हनुमान तो कितना का चूल मच गया कि भैया काहे बिहार आ रहा ही करेगा। जिनका जिनका ये लग रहा है कि अगर ये साधु संत होला के बाद भी अमीर नहीं बन गया है, तो हम उनको ही बता दे रहे हैं कि ये भाई सुने ने, अगर ये सब IAS पढ़ावे वाला आदमी IAS बन जाए, तो सब दरोगा पढ़ावे वाला आदमी दरोगे बन जाएगा, पढ़ाएगा क्या तुरा मऊसा कि चचा पढ़ावेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कम से कम एक दो लोगों को रहना भी चाहिए, हाँ आशीर्वाद के देगा भैया। अब एगो आसाराम टाइप के एगो हले बलात्कारी बाबा, हाँ इतना न कस के टेला के सासाराम चल गए, बुरा करने वाले का अंजाम बुरा ही होता, बुरा होगा भैया। वो मोदी के साथ, मोदी के दोस्त था, मोदी भी उनको नहीं सपोर्ट किए, आप देखे हैं गलत जो करेगा क्यों सपोर्ट करेगा, बस यही है, देख लिए ना, तो जो गलत करेगा अंजाम होकर गलत होगा। यहाँ राम के नाम पे पत्थर तैरे लगता है, अगर ये राम के नाम लेके अगर फेमस होना चाह रहे थे तो क्या बात है। हाँ जहिया पता चलेगा वही समझ जाइए भैया। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं यहाँ हनुमान कथा करेंगे, लोगों का भारी भीड़ रहेगा, पर लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तो सनातनी है, सनातन का प्रचार करने आ रहे हैं, तो इसमें विरोध का क्या कारण है? नहीं, जो जो कर रहे हैं हम तो यही कहेंगे, वो सब वही आदमी होगा जो मुंह में राम बगल में छुरी चलाता होगा, बस हम तो यही जाने थी ला, यही सब आदमी होतवा जैसा ऐसा करित होतवा। अरे भैया मेरे, अब वो प्लेन से उतरेंगे, प्लेन से उतर ला थू ना, हिंदू मुस्लिम, ऐसा थोड़ी होता है। प्लेन से उतरते हिंदू मुस्लिम करने लगेंगे वो। अरे भैया मेरे, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मत बनो तुम, थोड़ा का पकड़ के बना रहे हैं कि तू चल बनवे कर, ऐसा नहीं होता। जात तो अपने से बन जाते हो, आई टाइटल अपने से लगा लेते हो कि हम फलनवा हम ठीमिकवा है टीमिकवा है, तो हमारा कहना नाम है कि वो आ रहे हैं तो कम से कम हमारे सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, अब प्रचारक के साथ दीजिए, ठीक है? और जे जे सोच रहा है कि माइंड रीडर है चाहिए है, उस सब के हम अंधा बहरा के बता दें कि सिक्स सेंस बोलते हैं उसको, जिसको कॉन्सेंट्रेशन के माध्यम से बड़ा किया जाता है, तो उन्हीं के बस में ना हो गांजा फू का जो चीज कर। तपस्या है, अरे भैया मेरे तपस्या ना करना पड़ता है, गुरु जी लोग ही जानते होंगे। अब देखिए जैसे कि बड़े बड़े महात्मा जो गांजा पीते हैं सिक्स सेंस के लिए जो जगाते हैं, आप देखिए ना जाइए कैलाश पर्वत मानसरोवर देखिए जाके पता कि बर्फों में पूरा न्यूडे रहते हैं। यही ना कहल जाए सिक्स सेंस जगा रहे हैं, हाँ सिक्स सेंस जगला के बाद ओकरा बोलल जा है कि एकरा अंदर भैया आ गलवा कौन कौन पावर शक्ति। हाँ, तो ऐसा ऐसा होता है भैया, जिनको नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि माइंड रीडर नाम का कोई चीज नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब जैसे वो लड़की को हेले न्यूज में आके आऊ करी थले, थोड़ा हम देखे गए थे कि तोरा सामने वाला तोरा ये सब बनाया हुआ था, स्क्रिप्टेड रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है, दुनिया को बलगाने के लिए रहता है, ठीक है? माइंड रीडिंग कुछ। एक लास्ट सवाल है, तेज प्रताप जी विरोध कर रहे हैं, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए तेज भैया जिस प्रकार विरोध किए, उनका विरोध करना भी सही है, काहे नहीं भैया, ये यही बिहार है जहाँ पे ईद के समय इफ्तार पार्टी मनाया जाता है, ये वही बिहार है रामनवमी के समय मुसलमान भाई हमनी के रसना पिलाते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बिहार में आके तोड़ने ममोड़ने का काम ना करें। तो भैया आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि सबसे पहला बात है कि बिहार में जो भी आके अभद्र करेगा, आप तो है ही, आपका छोटा भाई भी समीर चौधरी रेलने में है आगे, हाँ तो भैया रेलेंगे तो जड़ तक रेलेंगे। वो कहीं ना कहीं अपने बिहार की छवि को बचाते हुए चलना चाह रहे हैं, ऐसा कोई नहीं। उन्होंने ये भी कहा
कि अगर आप आके बहुत अच्छा कीजिएगा तो आपका स्वागत है, कहे है ना, कहे तो अबू में क्या बात है भैया, मैं बोले वाला बातें नहीं कोई के। अच्छा 15 तारीख को उनका दिव्य दरबार यानी पर्चा कट रहेगा, जिनके लिए फेमस है वो, क्या आप उपस्थित रहिएगा? भैया के बात दम उपस्थित रहिएगा, हम तो 13 तारीख के जा रहे हैं एयरपोर्ट पे, जे जे झंडू बाम टाइप के लोग जो जाके कर आगे विरोध करेंगे, हम सबके सेल्फी लेब, हम जाने ये सब जा रहा हूँ काहे लगी, कम से कम ए धीरेन्द्र बाबा है भगाओ भगाओ सेल्फी खच खच कर, इसी कारण से ये लोग विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में अपना टीआरपी चाह रहे हैं। भैया सब फोटो वोटो खिंचावे के चक्कर में जा रहा है, और कोई बात नहीं, हम सब जानते हैं समीर चौधरी बोल रहा है, देख लीजिएगा कितना विरोधियन के भी फोटो आवेगा धीरेन्द्र शास्त्री जी के सेल्फी के साथ, जो जो आज गाली दे रहा है, जे गाली दे रहा है, चलिए जय भीम। चलिए यही माया है धीरेन्द्र शास्त्री की, यानी कथावाचक, हनुमंत कथावाचक, हम बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात कर रहे हैं। समीर चौधरी जी का साफ तौर पे कहना है, जिनको टीआरपी पसंद है, जो चाहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पे थोड़ा सा हम फेमस हो जाए, थोड़ा सा मीडिया लाइट में आ जाए, वैसे लोग उनका विरोध कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री एक सनातनी है, सनातनी के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। अगर धीरेन्द्र शास्त्री गलत करते हैं, अगर वो माहौल खराब करते हैं, तो उनका विरोध जिस तरह से अनेक जगहों पे करते आए हैं भोजपुरी एक्टर समीर चौधरी, अगर धीरेन्द्र शास्त्री गलत करेंगे तो उनका यह भी विरोध करेंगे। अगर सनातन धर्म का प्रचार करेंगे, अच्छा से वह कथा करते हैं, तो यह भी जाएंगे कथा सुनने के लिए, और 13 तारीख को एयरपोर्ट पर भी यह जाएंगे उन लोगों को देखने के लिए, आखिर वह कौन लोग हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध कर रहे हैं या फिर सेल्फी के चक्कर में वहां गए हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर अपनी राय दें।